नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में। झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो झारखंड पॉलिटेक्निक के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग ब्रांच छोड़कर, बस सिंपल से समझना, माइनिंग ब्रांच छोड़कर जितने भी बच्चे हैं सबका सेम सिलेबस है। क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखो बाबू, पहला जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स। लेकिन ये मैथ्स रहेगा आपका टू। आप मैथ्स वन पढ़ लिए, इसमें पढ़ना है मैथ्स टू। मतलब इसमें लेवल थोड़ा सा हाई होगा, इसमें आपको डिफरेंशिएशन वगैरह सीखना है, रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब आपको मैथ्स में पढ़ना है बाबू। दूसरा है फिजिक्स, फिजिक्स टू। फिजिक्स वन आप पढ़े, इस बार आपको पढ़ना है फिजिक्स टू। क्लियर? इसमें आपको तीसरा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी टू। चौथा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चौथा सब्जेक्ट पढ़ना है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। चौथा पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। और पांचवा आपको सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी, मतलब सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर वाला ये सब्जेक्ट है बाबू। तो आपको टोटल पांच सब्जेक्ट पढ़ना है। पिछले साल, पिछला सेमेस्टर में भी आप पांच सब्जेक्ट पढ़े, इसमें भी आपको पांच सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और प्रोग्रामिंग इन सी, मतलब सी प्रोग्रामिंग। सी नाम का जो लैंग्वेज है बाबू, कंप्यूटर का लैंग्वेज, वो आपको पढ़ना है। क्लियर? तो ये पांच सब्जेक्ट है, पांचों का डिटेल बाबू नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी मैं डाल दूंगा, सिलेबस क्या क्या, कौन से में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, प्लस नैन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि सर इसका तैयारी कैसे करेंगे, इसको कैसे पढ़ाई इस बार होगा, क्योंकि अभी भी सारा कॉलेज लगभग बंद है और कब तक बंद रहेगा कोई गारंटी तो अभी तो है नहीं। मतलब जून जुलाई अगस्त जुलाई तक तो तय है कि बाबू कॉलेज वगैरह खुलने वाला नहीं है। और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोट हो गए हो, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में लगभग चले गए हो, तो अब बात है कि सर कैसे तैयारी करेंगे और ज़बरदस्त कैसे तैयारी करेंगे, तो इसमें आप अच्छे से समझना। पिछले बार क्या हुआ था बाबू, फर्स्ट सेमेस्टर में झारखंड का पूरा लोड मेरे ऊपर अकेले आया हुआ था, बिहार का दो दो सेमेस्टर बाबू, ग्रुप ए का अलग, ग्रुप बी का अलग, वो भी मेरे ऊपर था, इंट्रांस का भी था। तो जिसके कारण और कुछ टीचर जो है वो बोल कर टाइम नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था। लेकिन इस बार क्या है बाबू, एकदम प्रॉब्लम नहीं है, सारा मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया हूँ, इस बार पूरा मजा आएगा। देखो कैसे, मैथ्स बाबू मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स जो है मैं पढ़ाऊंगा राज सर, ठीक है। और मैथ मैं कैसे पढ़ाता हूँ आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे से मैथ पढ़ चुके हो। फिजिक्स, फिजिक्स बाबू फर्स्ट सेम में फिजिक्स से लगभग बच्चा उतना ज़्यादा खुश नहीं है, काम भर हो गया लेकिन फर्स्ट सेम का फिजिक्स से उतना ज़्यादा खुश नहीं है, मुझे मालूम है। क्लियर? क्योंकि वो जो फिजिक्स के सर हैं उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका ऑनलाइन लेने का नहीं था, कैमरा फेस करने में उनको बहुत ज़्यादा टेंशन था, जिसके कारण उतना ज़्यादा शायद मज़ा नहीं आया है, मुझे मालूम है। तो इस बार का जो फिजिक्स है उसमें बहुत सारा चैप्टर मेरे द्वारा रहेगा, राज सर के द्वारा, और इसमें इलेक्ट्रिकल से जुड़ा बहुत सारा आपको चैप्टर पढ़ना है,
इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है, वो मेरा छोटा भाई पढ़ाएगा बाबू, ठीक है, वो मेरा छोटा भाई, मतलब फिजिक्स जो है वो भी मेरा और मेरा छोटा भाई का जिम्मा, मैथ मेरा जिम्मा फुल्ली, फिजिक्स मेरा और छोटा भाई का जिम्मा, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बाबू आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का कुछ वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वाला में भी अभी अभी दिया हूँ कुछ दिन पहले, और सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ वीडियो आपको केमिस्ट्री का मिला है, एकदम लाजवाब टीचर हैं, धांसू आप लोगों को केमिस्ट्री लग रहा होगा, मुझे मालूम है। जो लोग केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं, नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप में जुड़ जाएं, आप देख लो, एकदम लाजवाब लगेगा। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका जैसे तुम लोग को मज़ा आता है ना, केमिस्ट्री वाले सर का भी तरीका तुमको एकदम धांसू लगेगा। तो केमिस्ट्री जो है वो सर के जिम्मे है, मतलब एक स्पेशल टीचर के जिम्मे है केमिस्ट्री का जिम्मा, मतलब आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल भी पता है कि हम लोग के पास एक इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल का एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल है, जो फर्स्ट सेम में भी आपको वीडियो दिए हुए हैं, सेकेंड सेम में आपको एक चैप्टर कंप्लीट भी कर चुके हैं, और एकदम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, केमिस्ट्री का भी कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, क्योंकि टीचर अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग बांध दिए हैं। पांचवा है प्रोग्रामिंग इन सी। बाबू ये एक अलग टीचर, कंप्यूटर का टीचर है, काफ़ी बढ़िया, वो बिहार के लिए उनका एक चैप्टर था, मतलब एक सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस पर वो वीडियो देख चुके हैं, तो उन्हीं टीचर से हम प्रोग्रामिंग इन सी भी बनवा रहे हैं, और दो चार दिन के अंदर में कुछ वीडियो आपको इस पर भी मिल जाएगा, तो इनका भी पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट आपका है, और लगभग 5 अलग अलग टीचर के द्वारा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। नाम लिखना चाहूँ तो केमिस्ट्री आपको मिलेगा सूरज सर, कम्युनिकेशन स्किल आपको मिलेगा विनोद सर, और प्रोग्रामिंग इन सी मिलेगा आपको शुभम सर के द्वारा, शुभम सर मतलब, और इसमें राज सर भी और मेरा छोटा भाई गौतम सर भी, क्लियर। तो 5 सब्जेक्ट, 5 टीचर है, और सारा लाजवाब, इसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर उनका पढ़ाने का तरीका मज़ा नहीं आया, आपको 5 का तरीका पूरा मज़ा आएगा, क्लियर। तो सेकेंड सेमेस्टर का झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप सभी लोग जुड़ सकते हो नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप पे, आपको 5 सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। फी कितना है बाबू? तो अभी ऑफर चल रहा है 1099, मतलब 5 सब्जेक्ट है, 200 रुपया पर सब्जेक्ट पड़ा बाबू, 200 रुपया पर सब्जेक्ट पड़ा, 1099 अभी का फी है, लेकिन ये वीडियो अगर आप बाद में देखोगे तो हो सके तो उस वक्त बढ़ा हुआ रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। इस बार दूसरा फंक्शन है, शुरू में हम लोग ऑफर के तहत 1099 रखे हैं, ये आपका 2-3 दिन बहुत जल्दी में ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा, 2-3 दिन और हम लोग का ये ऑफर चलेगा, उसके बाद फी जो करेंगे 1200, क्योंकि इतना कम में 5 सब्जेक्ट दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई जो शुरू में जुड़ेगा उसके लिए हम लोग ऑफर दे रहे हैं, 1099 के बाद 1200 करेंगे, इसके कुछ दिन के बाद 1500 करेंगे, क्योंकि मेरा मानना कि एक सब्जेक्ट पढ़ाने का कम से कम फी अगर मिलना चाहिए तो 500 रुपया मिलना चाहिए, कम से कम, एकदम मिनिमम में, ऐसे तो 500 रुपया मंथली एक एक सब्जेक्ट पढ़ाने का टीचर लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, नयन क्लासेस चाहता है कि गरीब से गरीब बच्चा जुड़ सके, क्लियर, इसीलिए 500 रुपया पर सब्जेक्ट कम से कम फी होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट है बाबू, लास्ट आपका फी 2500 रुपया जाके रुक जाएगा, लास्ट फी 2500 रुपया जाके रुक जाएगा, मतलब 2500 रुपया तो फी आपको लगेगा, लेकिन जितना जल्दी आप जुड़ जाएंगे, अभी अगर आप जुड़ते हैं तो 1099 रुपया में आपको हो जाएगा, ये 5 सब्जेक्ट एकदम धांसू तरीके से तैयारी कराया जाएगा, क्लियर। चलिए, तो आपको अगर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जानना है
तो नाइन क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी पीडीएफ डाला हुआ है बाबू, उसमें एकदम सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ मतलब है कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना, क्लियर वो पूरा। और नाइन क्लासेस का मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ इसको, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर। तो अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर से जुड़ा और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।